हाय फ्रेंड्स, ई मैथ्स ट्यूटोरियल या यूट्यूब चैनल वर आपले सर्वांचे स्वागत। आज अपन या वीडियो मध्ये स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ्स डे 30 टेस्ट नंबर 2 ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2 अपन सॉल्व करणार आहोत। ए वीडियो में हम लोग ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ्स टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाले है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट इज फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 17। हम लोग को क्या करना है, दो नंबर फाइंड करना है, उनके एडिशन कितने 17। दोन नंबर फाइंड करायचे आहेत, त्या दोन नंबरचे एडिशन किती आले पाहिजे 17। सो फर्स्ट ऑप्शन इज -18 -1 कितना होता है -19 होता है, तो एक रॉन्ग है। 18 प्लस 1 कितना होता है 19 होता है, ये भी रॉन्ग है। 18 माइनस 1 कितना होता है 17, मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 प्लस 1 माइनस 17, तो मतलब हम लोग का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डॉट डॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या सोल्यूशन या इक्वेशनचा आपल्याला सोल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन का हम लोग क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। सी हियर एक्स प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज मीन्स ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 या साइड ला क्या होते माइनस 12 से क्या झालं प्लस 12, सो इट कैन बी राइट एक्स प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये कैसे लिखा है हम लोग ने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अभी इससे पता चलता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 मतलब ये दोनों नंबर की एडिशन कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। ओके, दोन एक्स आणि वाई चे एडिशन किती असायला पाहिजे 12। आता या ठिकाणी चेक करा कोणत्या एडिशन 12 येणारा ऑप्शन कोणता आहे, बघा 10 प्लस 2 12 हा करेक्ट ऑप्शन आहे, मायनस 10 प्लस 2 मायनस 8 रॉंग ऑप्शन, मायनस 12 14 प्लस 2 मायनस 12 रॉंग ऑप्शन, ए बघा डी सुद्धा रॉंग आहे। म्हणजे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे ए। सो नेक्स्ट, थर्ड, द लेंथ ऑफ हायपोटेन्यूस ऑफ अ राइट अँगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हायपोटेन्यूस। हम लोग को क्या दिया है, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए ए बी सी ए, यहां पे मीडियन ड्रॉ किया हम लोग ने डी, तो एसी का लेंथ कितना है 15 है, एसी का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये जो मीडियन ड्रॉ किया है बीडी का लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग को हाइपोटेनियस पे मीडियन ड्रॉ करते हैं वो मीडियन का लेंथ कितना होता है, हाइपोटेनियस की क्या होता है आधा होता है। ओके, जर आपण या राइट एंगल ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनियस वरती मीडियन ड्रॉ केली तर त्या मीडियनची लेंथ हायपोटेनियसच्या काय असते अर्धी असते। आता याचे हाफ किती असेल, 15 का हाफ कितना होगा 7.5। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे या ठिकाणी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 40 एंगल बी इज इक्वल टू 70 देन एंगल सी। हम लोग को पता है ट्रायंगल के तीन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन कर दिए तो कितना मिलता है 180। तीन एंगल से एडिशन किती येते 180 येते, त्यापैकी दोन एंगल से एडिशन किती येणार 40 प्लस 70 110। ओके, 180 में से 110 गए तो कितना बचता है 70। ओके, 180 मधून 110 मायनस केल्यावर आंसर किती येईल 70, सो ऑप्शन इज बी।
कळते तुम्हाला? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन्स, 3 मार्क्स. त्यामधलं फर्स्ट एक्झाम्पल, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 65 अँड एक्स वाय इज इक्वल टू 35, देन फाइंड एक्स अँड वाय. हम लोग को एक सायमल्टेनियस इक्वेशन काय करणार आहे, सॉल्व करणार आहे. आपल्याला हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचं आहे. सो सपोज एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 65, सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट. हम लोग इसको नंबर दिया है फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35, ये इक्वेशन सेकेंड. अभी यहां पे देखो, यहां पे तुम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. हम लोग एडिशन करते हैं. ओके, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65. एडिंग क्यों किया यहां पे? प्लस माइनस है, साइन डिफरेंट है. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35, एडिंग करते प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल. एक्स प्लस एक्स टू एक्स, 65 प्लस 35 100, सो एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 50. एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? 50. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे. सो प्लेस प्लेस सब्स्टिट्यूट कुछ भी लिख सकते हैं. प्लेस एक्स इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या इक्वेशन वन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65. इक्वेशन वन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65. सो एक्स 50 है, वाई इज इक्वल टू 65. देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 65 माइनस 50, सो वाई इज इक्वल टू 15. हम लोग को क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 एंड वाई इज इक्वल टू 15. ये हम लोग को क्या है? आंसर मिल गया. अंडरस्टूड? दैट्स बेटर. नेक्स्ट सेकेंड, बाय यूजिंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर्म इक्वेशन. हम लोग को क्या है? इक्वेशन फॉर्म करना है. द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 50. सम ऑफ टू नंबर्स इज 50. सो टू नंबर्स क्या है? एक्स एंड वाई हम लोग लिया. सपोज टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई, टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 50. तो क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? एडिशन कितने? 15. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड कंडीशन है टू नंबर्स डिफर बाय 11, मतलब डिफरेंस कितना है? 11 का. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11. सपोज दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. हम लोग को इतना ही करना था, इक्वेशन फॉर्म करना था. ओके, या ठिकाणी इक्वेशन तयार करायची होती, आपण इक्वेशन्स तयार केलेली आहेत. थर्ड, ऑब्झर्व द इन्फॉर्मेशन शोन इन फिगर बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट. हे आपल्याला ऑब्झर्व करायचे आहेत, आणि त्यावरून हे दोन ट्रायंगल कोणत्या टेस्टनुसार कॉन्ग्रंट आहेत ते आपल्याला लिहायचं आहे. सी हियर इन ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर, एबी इज इक्वल टू पी क्यू, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर आणि एसी इज इक्वल टू पी आर. मतलब तीनों साइड क्या है? कॉन्ग्रंट आहे. तीनों साइड कॉन्ग्रंट आहे. टेस्ट कोण से? एस 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 टेस्ट, एस एस टेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 8 मार्क्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ सेग ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिवाइड सेगमेंट ए बी इन टू इन रेशियो 3:2:2. तो अपन काय करूया, प्रथम फर्स्ट आप काय करूया, ए बी ड्रॉ करून घेऊया. ए बी ची लेंथ किती आहे? 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? सेग ए बी ड्रॉ करेंगे. सेग ए बी ड्रॉ केला आहे
हम लोगों ने से ए बी ड्रॉ किया है, अभी इसको क्या करना है, डिवाइड्स करना है। रेशो क्या है, 3:2, 3:2। ओके, तो पहले ए बी ड्रॉ किया, उसके बाद ए से एक क्रॉस रे ड्रॉ करना है। ऐसा क्या रे ड्रॉ करना है, मतलब एक एक्यूट एंगल बनाना है यहां पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, कंपास लेना है, डिस्टेंस थोड़ा मेजर करके लेना है, और यहां पे आर्क बनाना है। कितने आर्क बनाने हैं, तो यहां पे देखो रेशो का है 3:2, 3:2। इसको क्या मींस, 3+2 कितना होता है, 5। तो हम लोग को ए रे पे 5 आर्क ड्रॉ करना है। मेजर आप कितना भी ले सकते, ज्यादा मत लो और छोटा भी मत लो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर आर्क में ये डिस्टेंस कितना है आपके हिसाब से आप ले सकते। तो फर्स्ट आर्क, सेकेंड, थ्री, फोर, फाइव आर्क क्यों लिए, अपन फाइव आर्क का घेतलेले आहेत, कारण का या ठिकाणी 3+2 किती होतात, 5 होतात। ओके, सो आपण याला नेमिंग करूया, या ठिकाणी ए आहे म्हणून आपण A1, A2, A3, A4, A5। ओके, नेक्स्ट बी एंड A5 काय करा, जॉईन करून घ्या। अभी क्या करना है, बी एंड A5 क्या कर दो, जॉईन कर दो। अपन बी एंड A5 काय करे, जॉईन केलेला आहे। आता कंपास घ्या, टेक अ कंपास। ओके, कंपास घेतलेले, कंपास स्टील पॉइंट आपण A5 वर ठेवलेला आहे, आणि पुन्हा एक ठराविक डिस्टन्स घेतलेला आहे, आणि या प्रकारे आपल्याला काय करायचंय, आर्क बनवायचंय। मीन्स आपल्याला पहिला काय ड्रॉ करायचे, तर बी ए फायला पॅरलल लाईन ड्रॉ करायचे, कुठून, तर A3 मधून। A3 का, कारण या ठिकाणी 3 आहेत। आपण काय करणार आहोत, बी ए फायला पॅरलल लाईन ड्रॉ करणार आहोत, कुठून, A3 से। ओके, हम लोग क्या करना है, पॅरलल लाईन ड्रॉ करने वाले, किसको, बी ए फाय को पॅरलल लाईन ड्रॉ करने वाले कहा से, थ्रू A3। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो ए कंपास का पॉइंट A5 पे रखो, ऐसा वाला एक आर्क ड्रॉ करो। अभी वो डिस्टेंस चेंज मत करो, कंपास का पॉइंट स्टील पॉइंट A3 पे रखो, सेम डिस्टेंस है, ऐसा वाला एक आर्क बना दो। ओके, अभी क्या करना है, ये जो पहला वाला जो आर्क है वो मेजर कर दो, किया मेजर, अभी देखो ये मेजर करके लिया मैंने। अभी ए स्टील पॉइंट, ए जो आर्क, ये रे जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है वहां पे, हा जो आर्क ह्या रेला जिथे इंटरसेक्ट झालाय त्या ठिकाणी स्टील पॉइंट ठेवा। ओके, आणि पहिल्या वाले आर्कला काय करा, कट करा, केला कट। ओके, अभी आता काय करायचं आहे, A3 आणि हा दोन्ही आर्कचा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, A3 आणि हा इंटरसेक्टिंग पॉइंट काय करा, जॉईन करून घ्या। हलोनी जॉईन किया, दिख रहा है पैरेलल। ओके, हे पैरेलल लाइन दिख रहे हैं। ओके, तो यहां पे पॉइंट हम लोग दे रहे हैं, एम पॉइंट दे रहे हैं, तो मतलब ए पॉइंट, ए पार्ट कितना है, 3 पार्ट है, ए सेकंड पॉइंट। ओके, तो हम लोग ने ए बी को क्या किया है, ए रेशो में क्या किया, डिवाइड किया, 3:2 में डिवाइड कर दिया है। ओके, सो आज टॉपिक अपन 10th स्टैंडर्ड मध्ये कंस्ट्रक्शन मध्ये स्टडी करणार आहोत। आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूया। सेकंड, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, देन एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डॉट डॉट, सी कॉन्ग्रुएंट एंगल डॉट डॉट। तो हम लोग को पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते तभी उसके एंगल क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। सिमिलर ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात। ओके, एंड साइड क्या असतात, प्रोपोर्शन मध्ये असतात।
okay. So A congruent angle P, so B congruent angle C, second, so B congruent angle Q, C third vertices है, तो यहाँ पे third कौन सा है, R, तो एक है C congruent angle R. अभी साइड कशा असतात, प्रोपोर्शन मध्ये असतात, सो ए बी फर्स्ट टू नेक्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बी सी यहाँ पे सेकंड थर्ड क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड ए सी यहाँ पे कौन सा है पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर, ये हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया. सो नेक्स्ट एक कळले तुम्हाला, ओके खूप सोपा आहे. नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3x minus 2y is equal to 20, x plus 3y is equal to 14. So let 3x minus 2y is equal to 20 is equation 1, x plus 3y is equal to 14 suppose is equation 2. अभी हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले, अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करताना फर्स्ट अपन चेक काय करतो, तर कोई ये जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई यांचे कोएफिशिएंट इक्वल है क्या चेक करने का है. तो सी हियर यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने है, थ्री, यहाँ पे वन है, तो वेरे कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, वाई का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, कोएफिशिएंट इक्वल करना है, अपने कोएफिशिएंट इक्वल कराए है. तो सिंपल यहाँ पे देखो कोई कितना है, एक्स का वन, तो वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा थ्री, तो ये थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय थ्री, थ्री ने अपन का मल्टीप्लाई करते हैं कारण का अपना कोएफिशिएंट इक्वल कराए, तुम्हें वाई से कोएफिशिएंट इक्वल किया तरी चले नो प्रॉब्लम. तो ये क्या थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन वाई हो जाएगा, एंड थ्री इंटू फोर्टीन फोर्टी टू, सपोज दिस इज इक्वेशन थ्री. अभी ए देखो इक्वल हो गया, इक्वल है और साइन सेम है, यहाँ पे थ्री का साइन क्या है प्लस है, यहाँ पे थ्री का साइन प्लस है, साइन सेम है तो क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं, ओके. तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थ्री थर्ड फ्रॉम वन, सो थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, इक्वेशन थर्ड इज थ्री एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू 42. हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तभी क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन के साइन क्या होता है चेंज होता है, तो प्लस थ्री का क्या हो जाएगा माइनस थ्री, प्लस नाइन का माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस थ्री माइनस थ्री गेट कैंसल, ये देखो इक्वल साइन हो गया, माइनस टू माइनस नाइन इक्वल साइन है तो क्या करते हैं एडिशन होता है, नाइन प्लस टू इलेवन, और एडिशन को इक्वल साइन का साइन देते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन कौन सा है माइनस है. नेक्स्ट डिफरेंस साइन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन 40 में से 20 गया तो कितना 22, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब माइनस 22, सो वाई इज इक्वल टू माइनस 22 अपॉन माइनस 11, सो वाई इज इक्वल टू कितना है माइनस 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 गेट प्लस 11 टू आर 22, सो वाई इज इक्वल टू 22. y ची वैल्यू किती आली 2, आपल्याला आता x ची वैल्यू फाइंड करायची आहे, सो प्लेस हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, सो प्लेस y इज इक्वल टू इन इक्वेशन, इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, सो x प्लस 3, here y is 2, x plus 3 into 2 6 is equal to 14, so x is equal to 14 minus 6, so x is equal to 8. तो x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 8, और y का वैल्यू कितना है 2, so therefore 8 2 is the सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ओके.
हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना था, तो क्या मिल गया हम लोग को, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, अपने x की वैल्यू 8 में आले, y की वैल्यू 2 में आले, ओके। सो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, ओके, द प्राइस ऑफ 6 पेन एंड 4 पेंसिल इज ₹60 एंड प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 6 पेंसिल इज ₹40, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। सो लेट price of one pen be rupees x and price of one pencil be rupees y। x का price, sorry, pen का price कितना है, x rupees है, और one pencil का price कितना है, y रुपीज है, ओके। अभी कंडीशन क्या दिया है वो चेक कर दो, कंडीशन क्या दिले थी पहले चेक करूंगा। सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, सो कंडीशन इज द प्राइस ऑफ 6 पेन एंड 4 पेंसिल इज 60। तो 6 पेन इसका प्राइस क्या हो जाएगा, वन पेन का प्राइस कितना है x, तो 6 पेन का कितना हो जाएगा 6x, तो 6x प्लस 4y हो जाएगा, ये पेंसिल है, एक पेंसिल का प्राइस कितने y, तो 4 का कितना हो जाएगा 4y, टोटल मिला के कितना होता है 60। सो ये क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सो नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, 4 पेन 6 पेंसिल, मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितने 40, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पे देखो ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन का क्या है, यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है तो यहां पे y का है, यहां पे y का जो कोएफिशिएंट है वो x को है, ओके। मतलब कोएफिशिएंट का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, कोएफिशिएंट ची काय झाले, अदला बदल झालेले आहे, आणि कोएफिशिएंट ची अदला बदल झाले असेल तर काय करायचं, या दोन इक्वेशन ची एडिशन करायचं आणि सबस्ट्रॅक्शन करायचं। तो हम लोग यहां पे क्या हो जाएगा, हो गया कोएफिशिएंट का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो फर्स्ट दो इक्वेशन के एडिशन करने, नेक्स्ट क्या करना है, सबस्ट्रॅक्शन करना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो, एडिट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40, 6 प्लस 4 10x, 4y प्लस 6y 10y, 40 प्लस 60 100, टेक 10 कॉमन, तो क्या मिल गया x प्लस y इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर x प्लस y 100 डिवाइड बाय 10, therefore x plus y is equal to 100 divided by 10 is 10, तो ये हम लोग का equation third मिल गया। so next क्या करना है, 1 and 3, equation 1 and 2 की क्या करना है, subtraction करना है। so subtract equation 2 from 1, तो 2 equation 1 के 6x plus 4y is equal to 60, second one is 4x plus 6y is equal to 40। हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, 6 माइनस 4 2x, 4 माइनस 6, तो 6 माइनस 4 2, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, 60 माइनस 40 20, टेक 2 कॉमन, इन ब्रैकेट x माइनस y इज इक्वल टू 20, सो x माइनस y इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, सो x माइनस y इज इक्वल टू 10, सपोज दिस इज इक्वेशन 4। अभी क्या करना है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की क्या करना है, एडिशन करना है, सो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन थर्ड इज
x plus y is equal to 10. Equation fourth is x minus y is equal to 10. Add कर रहे हम लोग को, हम लोग add कर रहे x plus x 2x, y y plus y minus y 0 is equal to 20. So x is equal to 20 upon 2 is equal to 10. अभी क्या करना है, x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड करना है. तो प्लेस x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन थर्ड इज x प्लस y इज इक्वल टू 10. x का वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 10. सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 0. या अभी यहां पे क्या मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू कितना है, 10 है, y का वैल्यू 0. मतलब x मीन्स व्हाट, प्राइस ऑफ वन पेन. y मीन्स क्या है, प्राइस ऑफ वन पेंसिल. तो यहां पे क्या है, पेन का वैल्यू कितने मिल गया, 0, सो 10. पेंसिल का वैल्यू कितना मिल गया, 0. या ठिकाणी पेन ची वैल्यू 10 मिळाले आणि पेन्सिल ची वैल्यू, एका पेन्सिल ची किंमत किती आहे, 0. पण एका पेन्सिल ची किंमत 0 असू शकत नाही, ओके. दुकानदार तुम्हाला फ्री मध्ये देणारच नाही. म्हणजेच या ठिकाणी पेन्सिलची किंमत 0 येत आहे, म्हणजेच या क्वेश्चन मध्ये काहीतरी काय असेल, करेक्शन असेल. परंतु आपण जी इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली होती त्याप्रमाणे आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं आहे. म्हणजे एका सॉल्व्ह केल्याप्रमाणे एका पेनची किंमत 10 रुपये आणि पेन्सिलची किंमत या ठिकाणी दिलेली नाही, म्हणजेच पेन्सिल आपल्याला फ्री मिळणार नाही. याचाच अर्थ या एक्झाम्पलमध्ये काहीतरी करेक्शन असणार आहे. पण हेच एक्झाम्पल आपल्याला सेतूच्या टेस्ट मध्ये दिलेले आहे, ओके. सो फ्रेंड्स, या प्रकारे आपण टेस्ट सेकंड कंप्लीटली सॉल्व केलेली आहे. थँक्यू.